Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आठ बज गए शाजन, उठे, आठ बज गए, उठे, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, आठ बज रहे, शाजन, शाजन, आठ बज गए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। क्या यार, सोने दो। आप भी ना बच्चों की तरह ऑफिस से लेट हो जाएंगे। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं। क्या आप भी बच्चों की तरह जल्दी उठ जाए। ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म चाय। क्या बात है, आज जनाब का मूड बहुत अच्छा है। क्यों ना हो, आज दिन इतना खास है। क्यों भाई, आज ऐसी क्या खास बात है? क्या मतलब, आप भूल गए? क्या भूल गए, क्या कह रही हो? आज 19 अक्टूबर है, हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वाकई भूल गया। मुझे पता था आप भूल जाएंगे, आप सब मर्द एक जैसे होते हो। शादी से पहले तो एक एक बात एक एक दिन याद रखते हो, और शादी के बाद। अच्छा ना, I'm really sorry, मैं वाकई भूल गया था। एक दिन मुझे भी भूल जाएंगे। काश ऐसा हो सकता, अगर हमारे ऐसे नसीब का। क्यों, क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। आप तो हमारी कुल कायनात हो। चलो एक काम करते हैं, इस गलती का जाला ऐसे दूर करते हैं कि आपको एक बहुत अच्छी सी जगह पे कैंडल लाइट डिनर पे लेके चलते हैं, कैसा? जी नहीं, मुझे नहीं जाना, आप जाएं अपने ऑफिस वालों के साथ कैंडल लाइट डिनर पे। सोच लो, जैसे आपकी मर्जी। अरे मजाक कर रही हूँ ना, कितने बजे आएंगे? 8 बजे तक तुम तैयार हो? इंतजार करूंगी। चलो यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। अब नाश्ता तो ठीक से कीजिए। अरे ऑफिस में कर लूंगा ना, चलता हूँ। अच्छा चलो, मैं आपको छोड़ती हूँ। चलो आज चलो, अपना ख्याल रखना, और आप कुछ खा लीजिएगा और शाम को टाइम पे आइएगा। चलो हाफिज। चल यार, आज कहीं बाहर डिनर करते हैं। नहीं यार, आज तेरी भाभी को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाना है, शादी की पहली सालगिरह है मेरी। ओ चल, गुड लक, मिलते हैं फिर। चल कल ऑफिस में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखियो।
फोन क्यों ऑफ जा रहा है इनका? ऐसा तो कभी नहीं करते ये। 8:30 बज रहे हैं, शाजल अभी तक नहीं आए, इनका फोन भी ऑफ जा रहा है। खुदा खैर करे, ऑफिस फोन करके देखती हूँ। ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। अनस, हेलो, क्या क्या हो गया? शाजल मुझे तनहा छोड़ के चला गया, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। आना, एक ना एक दिन सबको जाना है, और यूं मरने वाले के साथ मरा भी तो नहीं जाता। तुम हिम्मत मत हारो, उनके बिना मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हिम्मत, ताकत, हौसला, जीने का मकसद सभी कुछ वो थे, उनके साथ साथ सब खत्म हो गया। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं हूं ना, आई मीन तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत होती है तो तुम उसे कह सकती हो। आफ्टर ऑल हम अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मैं अब चलता हूं, कल फिर मुलाकात होगी। कैसे कह सकते हैं कि शाजिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर किया गया? जब ये हादसा हुआ मैं शाजिल के साथ ही था, और जब कार ने उसे हिट किया तो मैंने ही देखा था। अब आप खुद बताओ, कार शाजिल को हिट करती है और तेजी से निकल जाती है, अगर ये वो गलती से करता तो वो जरूर रुकता। क्या आपने गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं, ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं कार का नंबर नोट नहीं कर सका। आप हमें ये बताइए कि शाजिल की किसी से ऑफिस में दुश्मनी या नोक झोंक? नहीं, वो बहुत सीधा साधा और नेक इंसान था। इनफैक्ट ऑफिस के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। ओके, तो आप ये बताइए कि शाजिल की फैमिली में और कौन कौन है? शाजिल के पेरेंट्स दुबई में, यहाँ उसकी वाइफ है। क्या नाम है उनका? अनम। तो फिर वो आपके साथ यहाँ क्यों नहीं आई? इस वक्त उनकी ऐसी कंडीशन नहीं कि वो यहाँ आ सकती। आप शाजिल को कब से जानते हैं? हम लोग तो कॉलेज से साथ हैं, बल्कि अनम और शाजिल की पहली मुलाकात भी कॉलेज में ही हुई थी। इल्ज़ा, आप एक काम कीजिए, शाजिल के तमाम कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाइए। ओके। और हाँ, अली, हमें अनम से भी इन्वेस्टिगेशन करना होगी। ऑफ कोर्स। देखिए, आप अनम से थोड़ा सा प्यार से डील कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वो बहुत नाजुक कंडीशन से गुजर रही है। आप हमें मत बताइए, हमें अपना काम करना बहुत अच्छी तरह से आता। Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. आप लोग कौन है? टीम SIV. SIV? ये क्या चीज़ है? हम यहाँ शाहजल के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। शाहजल का कत्ल? जी हाँ, हमें रिपोर्ट मिली है कि शाहजल का कत्ल कराया गया है। आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। शाहजल का कत्ल हुआ है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। हम जानते हैं कि इस वक्त आप कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपका बयान हमें शाजिल के कातिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। मगर शाजिल का कोई कत्ल क्यों करेगा? वो तो बहुत ही नेक और तहम्मुल मिजाज इंसान थे। अगर शाजिल का कोई दुश्मन नहीं था तो आप हमें ये बताएं कि शाजिल के करीबी दोस्तों में और कौन कौन है? दोस्त? हम चार बेस्ट फ्रेंड है। कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे, मैं, शाजल, अनस और उजैर। अनस से तो हम मिल चुके हैं, लेकिन ये उजैर कौन? उजैर हमारे साथ कॉलेज में होता था, लेकिन अब तो वो दुबई में जॉब कर रहा है। क्या आपके पास उजैर की कोई पिक्चर है? जी, हम चारों की एक ग्रुप फोटो है। आप बोले तो वो दिखाओ, मैं लाती हूँ। ये देखिए, ये उजैर, ये शाजल और ये अनस। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कातिलों का पता नहीं चल जाता, आप इस शहर से बाहर नहीं जाइएगा। आप फिक्र ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आना जाना तो सब शाजल के साथ, उसी के साथ सब खत्म हो गया। यहाँ से ये पिक्चर अपनी कस्टडी में ले लो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसका कत्ल होगा, फिर उसे कौन मार सकता? ये ले मैम, शाजिल के तमाम कॉल रिकॉर्ड्स। एनी प्रोग्रेस? कुछ खास नहीं मैम, तमाम कॉल नॉर्मल और डेली बेसिस की कॉल्स हैं। हेलो जी अली, उजैर का कुछ पता चला? जी हाँ, वो पिछले 2 महीने से कराची में ही है। तो उसे फौरन यहाँ लेकर आइए। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अनम की भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा लेनी चाहिए, हो सकता है हमें उससे कोई क्लू मिल जाए। अली, अनम के कॉल रिकॉर्ड्स और शाजिल के ऑफिस की CCTV फुटेज फौरन हासिल कीजिए। ओके मैम। हेलो, गुलिस्तान के इलाके में देखा गया। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं।
आप कौन? इंस्पेक्टर अली फ्रॉम SIB स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जी बोलिए। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। किस लिए? शाज़िल कत्ल केस के सिलसिले में। सच सच बताओ, तुमने शाज़िल को क्यों मारा? मैंने शाज़िल को नहीं मारा। ना मैं उसे क्यों मारूंगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। आप पिछले 2 महीने से कराची में हैं, ये बात आपने किसी को नहीं बताई। आपने शाज़िल से भी कांटेक्ट नहीं किया। मेरे और शाज़िल के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से मैंने अपने आने का नहीं बताया। मिसअंडरस्टैंडिंग? मगर किस किस्म की? शाज़िल और मैं कॉलेज लाइफ से एक साथ थे। हमारे साथ अनम भी पढ़ा करती थी। शाज़िल और अनम एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे। उसी दौरान अनस ने मुझसे जिक्र किया कि वो भी अनम को चाहने लगा है। कॉलेज के आखिरी दिनों में अनम ने ये बात मुझसे की थी, और फिर ये बात उसने जाके शाज़िल को बता दी, और तभी से शाज़िल मुझसे नाराज है। उज़ैर, मैं अनस को लेके बहुत अपसेट हूँ। प्लीज तुम ही उसे समझाओ, तुम्हारी तो सुनता है वो। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो है मेरी सुनता ही नहीं। अगर शाज़िल को दोबारा मालूम हो गया ना, तो हमारी दोस्ती बरकरार नहीं रह पाएगी, दरार पड़ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। ठीक है, बात करके देखता हूँ उससे। मगर तुम उससे पूछना, अगर कि वो अनस से नाराज है तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, उसकी सजा वो मुझे क्यों दे रहा है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, I'll try. मैं बात करूंगा उससे। तुम ये बनावटी बातें कर हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है उज़ैर साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आपको हमारी कस्टडी में रहना होगा। अली, इन्हें लॉकअप कर दीजिए। ओके। मैम, ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। ठीक कह रही हो तुम। हाँ साहब, सब याद है। तुम जितनी जल्दी हो ये शहर छोड़ दो, SIB की इन्वेस्टिगेशन जोरों पर है। मैं तुम्हें कुछ पैसे, इस्लामाबाद का टिकट भेज रहा हूँ, तो कल पहली फ्लाइट से ही शहर छोड़ दो। ठीक है जनाब, आपके तोहफे का इंतजार रहे। ये देखो अल, ये तो जफर है, तो 3 महीने से जेल से फरार है। इसका मतलब ये है कि अनस बिल्कुल सही कह रहा था, शाज़िल का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका मर्डर किया गया है। मगर कौन हो सकता है जो शाज़िल का मर्डर करवाएगा? उज़ैर या फिर अनम? अनस, अनस भी तो हो सकता है। अली, जितना जल्दी हो सके जफर को अरेस्ट कीजिए। ठीक कह रही हैं आप, अब वही बताएगा कि किसके कहने पे उसने शाज़िल का कत्ल किया है। तू क्या समझ रहा था, इतनी आसानी से तू हमारी गिरफ्त से निकल जाएगा, भाग जाएगा एयरपोर्ट से? सच सच बता, किसके कहने पे ये मर्डर किया है? बताता हूँ, मैंने ये कत्ल अनस के कहने पे किया था। ये सब क्या मजाक है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? एक तो मैं आप सबकी मदद कर रहा हूँ, और आप लोगों ने मुझे लॉक कर दिया। कौन किसकी मदद कर रहा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। अनस, आप लोगों ने अनस को क्यों लॉकअप किया है? मोहब्बत अनम, मोहब्बत। कितना अजीब एहसास है ये भी, किसी को मदहोश, किसी को पागल, और किसी को हैवान बना देता है। आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके शोहर का कत्ल किसी और ने नहीं, आपके दोस्त और वन साइडेड आशिक अनस ने किया। अनम, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और आप लोगों के पास क्या सबूत है?
कि मैंने शाजिल को कत्ल किया है? सबूत चाहिए तुम्हें, एक मिनट। सच सच बताओ, इस शख्स ने ही तुम्हें शाजिल को मारने के लिए कहा था ना? जी सर, इन्होंने ही मुझे बोला था और इन्होंने मुझे पूरे 3 लाख रुपए दिए थे उसको मारने के लिए। अनस, तुमने शाजिल का कत्ल किया? क्यों? वो तो तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझता था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया ऐसा तुमने? अब तुम कुछ बोलोगे या फिर दास्तान इश्क हम ही सुना? हाँ, मैंने ही मारा शाजिल को। नफरत करता था मैं उससे, इतनी नफरत कि तुम सोच भी नहीं सकती। जानना चाहती है उसे मैंने क्यों मारा? क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और जब तुमने मेरा प्रपोजल ठुकराया और दोस्ती का कहा तो सर तो बहुत स्ट्रिक है, एक एक की प्रेजेंस पे ध्यान रखते हैं। अनम? हाँ अनस। वो मुझे तुमसे ओ, इतने फॉर्मल कब से होने लगे? जल्दी बोलो ना, मेरी क्लास का टाइम है, लेट हो रही हूँ। बोलना तो चाह रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। अच्छा भाई, जब समझ आ जाए ना तब बता देना, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई एम सॉरी अनस, ये मैं नहीं ले सकती। मैं शहजल से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। देखो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करना। आई होप तुम समझ रहे हो। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त ही रहेंगे। That's like a good friend and good boy. अच्छा, मैं क्लास के लिए चलती हूँ, शाम में मिलते हैं। ठीक। सॉरी अगर हर्ट हुआ तो। ठीक है। जब शाजिल ने मुझे बताया कि वो तुमसे शादी करने जा रहा है तो बदले की आग और बड़ा उठी। मेरी जान, तू यकीन नहीं करेगा जो मैं बात तुझे बताने जा रहा हूँ। ऐसी भी क्या बात है, क्यों इतना खुश हो रहा है? बात ही कुछ ऐसी है यार, अनम और मैंने शादी का फैसला कर लिया है, हमारे घर वाले भी राजी हो गए। 19 अक्टूबर को हमारी शादी है और ये बात तुझे सबसे पहले बता रहा हूँ। आफ्टर ऑल सारे इंतजाम तूने संभाले मेरे दोस्त। अरे तू कहाँ खो गया भाई? हाँ हाँ हाँ। अरे यार, मैं खुशी में भूल ही गया, तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। तू बैठ, तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। कभी सर पे से आसमान और पैरों तले जमीन निकलती देखी है तुमने? उस दिन मेरा भी कुछ यही हाल था। नफरत हो गई थी मुझे अपनी जिंदगी से और तुम लोग मुझे हैवान समझते। हैवान नहीं हूं, बदले की आग में जलकर कोयला हो गया था। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जिस दिन तुम दोनों एक हुए थे उसी दिन तुम दोनों को अलग करूंगा। फिर मैंने 19 अक्टूबर को दिल तो मैंने तोड़ा था ना, तो मुझे सजा देनी थी। शाजिल की जान क्यों ली? मुझसे बदला लेते, उसका क्या कसूर था? तुमसे जैसा बदला लेना चाहता था मैंने ले लिया। अब तुम भी रोज इसी तरह तड़पो जैसे मैं तड़पता था, इसी तरह रोज मरोगी जैसे मैं मरता था। मेरा इंतकाम पूरा हो गया। तुमने ना सिर्फ अपने दोस्त खोए हैं बल्कि दोस्ती जैसे अजीम रिश्ते की तजलील भी की है। प्यार से पाने का नाम नहीं है मिस्टर अनस, ये चेहरों का खेल है, चेहरों का। हर चेहरा
ATV, सारे रंग हमारे।